बरसाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंद होटल बंसीवाला फैमिली रेस्टोरेंट बरसाना में भारतीय जनता पार्टी के नंदगांव मंडल अध्यक्ष रणवीर ठाकुर, दीनू ठाकुर और उसके अन्य 3-4 साथियों द्वारा तोड़फोड़ की गई। सारी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में अपराधी वारदात करने के बाद मौके से फरार हो गए। इस घटना से भारतीय जनता पार्टी से लगता है कि जनता का विश्वास बहुत जल्द हट जाएगा और मथुरा जिले की जिला अध्यक्ष को इस घटना की सूचना दे दी गई। बरसाना थाना पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी गई मगर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वहीं रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि मुझे आशंका है उपरोक्त तो आदमी आज नहीं तो कल मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार या जानलेवा हमला कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को सूचना देना चाहता हूं, अगर कल को मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार उपरोक्त यही लोग होंगे जिसमें सूरजपाल डीलर कमई, रणवीर ठाकुर नंदगांव मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और दीनू ठाकुर बरसाना व उनके अन्य साथीगण जो इस घटना में सम्मिलित थे। ये लोग अनाधिकृत रूप से उसके बंद होटल पर आए और तोड़फोड़ की, बैनर, भाड़ी डस्टबिन तोड़ा, शटर को तोड़ा और गाली गलौज देते हुए पुलिस की मौजूदगी में ये लोग सकुशल वापस चले गए। ये बहुत ही चिंताजनक और निराशा का विषय है। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि समाज में धूमिल होती है। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। इस तारीख को जो घटना हुई है वो क्या हुई है आपके होटल पर? ऐसा है, हमारा होटल लगभग 10 बजे करीब बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा सारा स्टाफ अपना खाना पीना अंदर खाता है और फिर जाता है। तो बाहर कुछ लोग आए, एक सेंट्रो गाड़ी थी DL 4C और AG करके कुछ नंबर 0998, वो गाड़ी आई बाहर। उसमें से 4-5 लोग उतरे जिनकी पहचान बाद में हो गई और बाहर तोड़फोड़ बैनर मेरे फाड़ दिए, बोर्ड तोड़ दिया, शटर में लात मारी, नुकसान किया, गाली गलौज की। उसके बाद हम लोगों ने अंदर से ही 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आ गई मौके पर। लेकिन पुलिस ने अपने सामने ही अपराधियों की गाड़ी को जाने दिया और हमसे कहा कि आप थाने चल के अपनी तहरीर दे दीजिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में पार्टी के लिए और आम जनमानस के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और मुझे इन लोगों से अब अपनी जान माल का भी खतरा है। ये लोग मेरे साथ भी कोई घटना या दुर्घटना कर सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। श्री राधे। इसके बाद सर पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की? जी, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तहरीर दे के आए थे, उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया? जी, कोई एक्शन नहीं लिया।